रामायण को हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। इसमें कई ऐसी कथाएं हैं जिन्हें आम तौर पर तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातों का भी वर्णन मिलता है जिसे अधिकतर जनमानस अनजान है। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी ही रोचक बातों के बारे में बताएंगे। रामायण संस्कृत का एक महाकाव्य है जो कवि वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। अगर हम रामायण के हर हजार छंद का पहला अक्षर ले तो उससे गायत्री मंत्र बनता है। भगवान श्री राम की मां कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम कौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु ने कौशल्या को वरदान दिया था कि वह त्रेता युग में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। इसी कारण वो भगवान राम के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल माता सीता का अपहरण किया था बल्कि कौशल्या का भी अपहरण किया था। ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर लिया और उन्हें एक संदूक में बंद कर समुद्र से घिरे एक द्वीप पर छोड़ दिया था, जहां उन्हें राजा दशरथ ने मुक्त कराया था। श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था, जिसको बचपन में ही कौशल्या ने अपनी बहन वशनी को अंग देश के राजा गोपत को गोद दे दिया था, इसलिए रामायण में शांता का वर्णन नहीं मिलता। माता सीता बचपन में ही खेल खेल में भगवान शिव का धनुष उठा लेती थी और इसीलिए राजा जनक ने शिव धनुष को उठाने की शर्त रखी थी। एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गया तो उन्हें मार्ग में नंदी मिले। रावण ने नंदी को वानर कहकर उनका मजाक उड़ाया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु वानरों के कारण ही होगी। नंदी के इसी श्राप को पूरा करने के लिए भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लिया था। अपने विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण ने उसे छूने का प्रयास किया। इस पर रंभा ने कहा कि वह आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हैं, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधु के समान हूँ। पर रावण ने उसकी एक ना सुनी। जब नल कुबेर को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि रावण ने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव के भजन कीर्तन के लिए रावण ने एक बार अपनी बाजू काटकर उससे एक वाद्य यंत्र बनाया था जिसे रावण हट्टा के नाम से जाना जाता है। जिस दिन रावण माता सीता को हरण कर अशोक वाटिका में लाया उसी दिन ब्रह्मा जी ने एक विशेष खीर इंद्रदेव के हाथों माता सीता तक पहुंचाई थी। इस दिव्य खीर को खाने के बाद माता सीता जब तक लंका में रही उन्हें ना भूख लगी और ना ही प्यास। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण ने रावण पुत्र मेघनाथ को ही नहीं उसके दूसरे पुत्रों जैसे प्रहस्त और अतिकाय को भी मारा था। जिस समय श्री राम वनवास को गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। भगवान राम 41 वर्ष की आयु में अयोध्या वापस लौटे थे। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनिरण्य के साथ हुआ, जिसमें राजा अनिरण्य वीर गति को प्राप्त हुए। राजा अनिरण्य ने मरने से पहले रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे ही कुल के युवक द्वारा होगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक वहां से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह वेदवती थी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तब वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी। इसके बाद वेदवती ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री राम के भाई भरत को अपने पिता की मृत्यु का पूर्वाभास पहले ही हो गया था। भरत ने स्वप्न में अपने पिता की मृत्यु को देख लिया था। पाताल के राजा अहिरावण और महिरावण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। तब हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप रख अहिरावण और महिरावण का वध किया था। रावण महाज्ञानी और विद्वान था। भगवान राम ने भी उन्हें महाब्राह्मण कहा था। जब रावण मृत्युशैया पर था तब भगवान राम ने लक्ष्मण के पास जाकर उसे ज्ञान अर्पित करने को कहा था। रावण जब अपने विजय अभियान पर था तो वह यमपुरी पहुंचा, जहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर कालदंड का प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने रोक लिया।
क्योंकि रावण का वध किसी देवता के हाथों से नहीं हो सकता था। माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं वे भगवान राम के आशीर्वाद के कारण हैं। जिस समय लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय एक गिलहरी इस काम में मदद कर रही थी। उसके इस समर्पण को देख भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर फेरी थी। ऐसी मान्यता है कि तब से ही उसके शरीर पर धारियां पड़ गईं। राम रावण युद्ध के दौरान पूरा आसमान तीरों से भर गया था। कुछ देर तक सूर्य की रोशनी भी नीचे नहीं आ पा रही थी। जहां रावण रथ पर था, वहीं श्री राम धरती पर। यह देख इंद्रदेव ने अपना रथ भेजा, जिस पर बैठकर श्री राम ने रावण से युद्ध किया। भगवान राम ने रावण का वध ब्रह्मास्त्र से किया था। मरते समय रावण के मुख से राम का नाम निकला था। भगवान राम पूर्ण अवतार नहीं थे, वे सिर्फ 14 कलाओं में पारंगत थे, जबकि भगवान कृष्ण 16 कलाओं में। ऐसा इसलिए था क्योंकि रावण को वरदान प्राप्त था कि उसका वध कोई देवता नहीं कर सकता, सिर्फ मनुष्य कर सकता है। भगवान राम ने अयोध्या का राजा लव कुश की जगह हनुमान जी को बनाया था और कलयुग के अंत तक उन्हें ही राजा बने रहने का वरदान दिया था। आज भी अयोध्या का राजा हनुमान जी को ही माना जाता है। भगवान राम माता सीता लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष वनवास बिताकर अयोध्या लौटे। उनके लौटने के दिन से ही दिवाली मनाई जाने लगी।